हेलो सर। हेलो मैम। नमस्ते। मैं रुचि गुप्ता, गार्डन सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैडम, धन्यवाद आप लोगों ने हमें जो यहाँ पर इस थोड़ा से समय के लिए बुलाया। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा है और ये मेरी वाइफ है श्रीमती राजकुमारी वर्मा। एक्चुअली मैं सुरेश नगर ग्वालियर में ही रहता हूँ, बट मेरा जॉब है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा जॉब है BSF में, मैं एज ए सब इंस्पेक्टर अपॉइंटेड हूँ वहाँ पर, और मेरी पोस्टिंग इस समय जैसलमेर में है। बहुत अच्छी सिटी है जैसलमेर। जी मैम, काफ़ी अच्छी है, डेवलप भी है अभी इस टाइम, लेकिन क्या है वहाँ पर गर्मी इधर से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ। बाकी क्या है, बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर है तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर आना जाना लोगों का कम रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सिटी है, बढ़िया। सर ये बताइए कि अगर जब आपने न्यूट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में सुना तो किस तरह से फैसला लिया न्यूट्रिक को चुनने का? एक्चुअली मैडम, मेरे सर्विस को करीब 10-12-15 साल करीब हो गया है, तो एक इस पीरियड में ऐसा लगता है कि एक प्लॉट वगैरह लेना चाहिए या डुप्लेक्स वगैरह कोई भी होना चाहिए ताकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं छुट्टी भी आया हुआ था, करीब 15 साल हो गए थे मैं छुट्टी आया हुआ था, तो अचानक से मेरा प्लान बना कि कहीं देख के आते हैं, कोई प्लॉट्स वगैरह देख के आते हैं या डुप्लेक्स वगैरह देख के आते हैं। तो मैं, मेरे ब्रदर रहते हैं इधर DB City में, उनके पास गया। मैंने कहा भैया ऐसा है कि चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखना है, प्लॉट्स वगैरह देखते हैं। तो बोले ठीक है। तो मैं, वाइफ और भैया भाभी साथ में निकले हम लोग। तो एक्चुअली क्या है, ग्वालियर में जहाँ भी है, ये जो सिटी सेंटर वाला इलाका है, ये ज़्यादा डेवलप हो रहा है जी। तो हम लोग इधर ही निकल आए, इधर पीछे काफ़ी घूमे, हालांकि कई जगह घूमे तो क्या है, डुप्लेक्स वगैरह भी देखे और प्लॉट्स वगैरह भी देखे, ठीक ठाक था, लोकेशन भी ठीक थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा कि मतलब थोड़ा आउटर में था या फिर कहीं अंदर जाके था, तो उसमें इतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने कहा, फिर काफ़ी देखा, मतलब 1-1.5 घंटा घूमे, फिर उसके बाद एक्चुअली हमारा ये ऑफिस BSF कैंप भी है इधर टेकनपुर में। अच्छा। तो हम इधर आगे चले गए, फिर टेकनपुर गए, वहाँ से वो वापस लौट रहे थे तो रास्ता यही था ग्वालियर के लिए। तो ये गार्डन सिटी दिखा तो बड़े ब्रदर बोले मेरे से कि राजीव थोड़ा सा इधर भी देख लो अंदर। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो जैसे ही अंदर इन हुए तो यहाँ पर क्या है, जिसे और जगह से देखा ना तो बड़ा सेपरेट लगा, कुछ अलग ही दिखा। तो मन तो हो गया था कि तुरंत देखते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। तो हम लोग अंदर आए, ऑफिस में आए, तो ऑफिस में आने के बाद जब आपका ये मैप वगैरह भी देखा तो काफ़ी बड़ा मतलब अपॉइंटेड हुए इससे कि बढ़िया लगा, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है। तो फिर ब्रदर को भी आपका सेटिस्फाइड था? बिल्कुल सेटिस्फाइड था यहाँ पे देख के, मतलब आप लोगों का स्टाफ भी था वो भी काफ़ी सपोर्टेड था उस टाइम, काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो हम प्लॉट्स वगैरह आपको डुप्लेक्स वगैरह दिखा देते हैं। तो मेरा एक्चुअली क्या प्लान था कि मैं डुप्लेक्स लूँ, तो डुप्लेक्स ले, जैसे हम लोग अंदर यहाँ से गए तो डुप्लेक्स भी देखा। तो फिर बताया अंदर जाके कि वहाँ पर, यहाँ पर प्लॉट्स भी हैं सर, अगर आप प्लॉट्स देखना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा अंदर गए तो उन्होंने प्लॉट्स भी दिखाया, तो जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब तो डुप्लेक्स तो उस टाइम क्या बन रहे थे नए नए, तो प्लॉट्स देखते हुए फिर ब्रदर वगैरह भी बोले कि अगर प्लॉट्स लोगे तो अपने हिसाब से बना सकते हो, बढ़िया भी है, काफ़ी बड़ा भी है। तो फिर पहले तो हमने सोचा 40-60 ले लें, लेकिन थोड़ा सा क्या ऊपर जा रहा था, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है 30-60 वाला ठीक है। तो हमने उसी टाइम फाइनल कर दिया। और जो यहाँ का अंदर का रोड्स वगैरह हैं, पार्किंग वगैरह है, आपका गार्डन्स वगैरह है, ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो सिटी में अंदर बनाया है कुछ अलग ही हटके बनाया है दूसरी सिटी से, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने फाइनल कर दिया कि मुझे उसी टाइम फाइनल करने का डिसीजन आपने ले लिया। डिसीजन इस तरह से आपने फाइनल किया प्लॉट जी, जी। तो न्यूट्रिक गार्डन सिटी में जैसे कि लोग मानते हैं कि थोड़ा सा महंगा है अदर प्रॉपर्टी से, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल क्या है मैडम, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो इसमें महंगा और सस्ता वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये एरिया एक्चुअली डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो और सिटी से अंदर से महंगा होगा। क्योंकि आप देखेंगे ग्वालियर सिटी में एक उस साइड जो महाराजपुर वाला एरिया है वहाँ इतना डेवलप नहीं है, और यहाँ पर पूरा ये एजुकेटेड एरिया है,
काफ़ी अच्छा डेवलप है, यहाँ कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह भी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये महंगा नहीं है, ठीक है। इसको मतलब अपना मिडिल क्लास फैमिली वाला भी अपना आराम से ले सकता है, और सबसे जस्टिफाइड है। सबसे बढ़िया ये है कि आपने इसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है, आपने जो बड़े प्लॉट्स हैं, फिर छोटे हैं, फिर लास्ट वाले हैं 900 स्क्वायर फीट्स हैं, तो हर कोई बंदा यहाँ पर आपका ये जो प्लॉट्स वगैरह है ले सकते हैं, सफिशियंट है, अच्छा है। कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए बुक करने में? चैलेंजेस तो थोड़ा बहुत फेस किया था मैं। किस तरह के चैलेंजेस? चैलेंजेस ये था कि एक्चुअली क्या, मेरा एक घर में जहाँ मैं रह रहा हूँ, फिर यहाँ से मैंने कहा प्लॉट लेना है, तो कुछ परेशानी आई थी। एक्चुअली क्या हमारा जैसे मेरी सर्विस है, तो सर्विस में क्या है, हम लोगों को पूरा बताना पड़ता है कि आप किस तरह क्या मतलब प्लॉट्स ले रहे हैं क्या नहीं, पूरा डिटेल देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है, जब तक वहाँ फाइनल नहीं होगा तब तक यहाँ फाइनल नहीं कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे फाइनल किया ना, तो वहाँ भी अपना स्टार्टिंग कर दिया था, तो मेरे को वहाँ फाइनल करते करते दो तीन महीना लग गया था, क्योंकि हमारा एक्चुअली केस हायर हेडक्वार्टर जाता है कि आप परचेजिंग प्रॉपर्टी कर रहे हो, तो उसमें आपको पूरा क्लियर बताना पड़ेगा कि आपने कैसे कैसे लिया। तो हालांकि मैं उसको जैसे जैसे हमने क्लियर कर दिया, उसके बाद बस वही प्रॉब्लम आई थी, बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं हुई, क्योंकि बैंक आजकल सभी लोन दे देती हैं, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं आई और पेमेंट कर दिया। सर ये बताएं कि जैसे स्मार्ट सिटी है ग्वालियर स्मार्ट सिटी, जी जी, तो किस तरह से गार्डन सिटी उसे रिप्रेजेंट करता है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि मैडम जहाँ पर गार्डन्स वगैरह हो, लाइटनिंग्स वगैरह हो, रोड्स वगैरह दिए हों, सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी अच्छा हो, और एमिनिटीज़ वगैरह जहाँ पर फुल हो, तो वो एक स्मार्ट सिटी में आता है। और वो सब ये जो गार्डन सिटी में उन्होंने पूरा हर एक चीज़ दे दिया है, तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये ग्वालियर में रहते हुए भी गार्डन सिटी एक स्मार्ट सिटी के रूप में है, इसको जाना जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे रहेगा कि आप कुछ और बताएं गार्डन सिटी के बारे में, कि किस तरह से आप अपने घर को, अपने हाउस, ड्रीम हाउस को डेवलप करना चाहती हैं, कि क्या है आपके सजेशन? आपने बस बहुत अच्छा ही बनाया है, क्योंकि ना सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, बच्चों के लिए सिक्योरिटी है, प्ले गार्डन है, इनको तो मैडम काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि अगर हम लोग जहाँ पर हैं सुरेश नगर, वो भी डेवलप कॉलोनी है, तो वो ये लोग ये तो आज भी बोलते हैं कि जल्दी से आप रजिस्ट्री कराओ, उसके बाद काम स्टार्ट कराओ, ताकि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये अभी खुला इलाका है, अच्छा लग रहा है, डेवलप सुरेश नगर तो कंजेस्टेड है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, रोड वगैरह अच्छा है, ये भी बढ़िया है मैडम। तो ये एक मतलब चाह होती है कि नया बने, कुछ अच्छा हो, उसमें जाएँ, प्रवेश करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर क्या है, जो सुविधाएं हैं वो भी काफी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से बढ़िया है, डेवलप हो रखा है। सर जैसे अगर न्यूट्रिक प्रॉपर्टीज को अगर आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर बिजनेस क्लाइंट को अगर आप गाइड करते हैं या सजेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप उन्हें सजेशन देना चाहेंगे? मैडम इसमें गार्डन सिटी में काफी अच्छे रीजंस हैं, क्योंकि मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप एक बार गार्डन सिटी आइए, वहाँ पर देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ हमें यहाँ पर प्लॉट्स और जगह से अच्छे हैं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना क्लियर क्लीनलीनेस है, मतलब एकदम क्लियर है, और रोडें भी अच्छी हैं, गार्डन्स आपको मिलेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, मंदिर मिलेगा, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और हर मतलब जो आपने रोड्स बनाई हैं हर प्लॉट्स के बीच में, वहाँ पर हर जगह गार्डन्स वगैरह दिया है, तो वो एक ज़्यादा बेट आज की डेट में देखा जाए तो बेटर है। तो उसमें क्या है, बच्चों को भी लिए काफ़ी फैसिलिटी, और यहाँ आसपास जो है ना एरिया डेवलप हो रहा है, कई स्कूल बन जाएंगे आगे जाके, कई मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे और हॉस्पिटल्स भी बन जाएंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। और मैं तो मानता हूँ कि गार्डन सिटी अगर या इस जगह है, कहीं दूसरी जगह भी बना रही होगी, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर ही बनाएगी, क्योंकि इससे बेटर, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को सजेशंस मिलेंगे, तो वो सोचेंगे कि हाँ उससे ज्यादा उसमें क्लियर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यही है कि मैडम गार्डन सिटी मतलब बढ़िया, बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड है। सर जैसे कि अभी आप न्यूट्रिक फैमिली हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं फ्यूचर में गार्डन सिटी को, और क्या मतलब उसमें हो सकता है एमिनिटीज में, या फिर आप किस तरह से और डेवलप देखना चाहते हैं? गार्डन सिटी जो
मैं तो सबसे पहले गार्डन सिटी फैमिली वालों का सब शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मतलब डेवलप कर दिया है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों का सजेशन का जरूरत ही नहीं है, उन्होंने सब कुछ उसमें दे दिया है, सब कुछ दिया है, ए टू जेड है। आप कुछ भी देख लो यहाँ पर, अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है, रोड्स वगैरह हैं, और मैं तो नहीं मानता कि इसमें कि हमारे सजेशंस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी मैटर आप देख लो कि आपने फर्स्ट एंट्री किया, उसके बाद मेन सिक्योरिटी वो हो गई, उसके बाद आप सेकंड शिफ्ट अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर दोबारा सिक्योरिटी है, तो हार्ड सिक्योरिटी। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से और कहीं ऐसा मतलब किसी सिटी में मिलेगा आपको देखने को, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। बस कुछ समय और देना चाहूँगी सर, आपका ऑफिस स्टाफ का कोऑर्डिनेशन और सेल्स स्टाफ का कोऑर्डिनेशन किस तरह से रहा आपके साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब भी यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि सपोर्टिंग स्टाफ है या एडम स्टाफ है या फिर ऑफिस स्टाफ है कोई अलग हो, मतलब सब मिलजुल के रहते हैं और जिसको जितना हेल्प हो सकता है वो उतना करते हैं। मैं यहाँ पे आया था, पुनीत जी से मिला, आपसे भी मिला कई बार, और सबसे ज़्यादा पुनीत जी से मैं बात करता रहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को सजेस्ट करते हैं कि आप रुचि मैडम से मिलिए तो वो आपको क्लियर बता देंगी, तो फिर मैं ठीक है सबसे पहले मैं इन्हीं को कॉल करता हूँ, फिर बोलते हैं आप रुचि मैडम से मिलिए तो मैं फिर आपको आपसे मिल लेता हूँ। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है, हालांकि इन्होंने जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर, जो डाउट्स हैं वो सब वगैरह क्लियर कर दिए सारी, आपको कोऑर्डिनेशन बेटर। जी जी सर, इतना समय निकाला आपने हमारे लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जो आप लोगों ने हमको बुलाया।